आज हम देखने वाले फनी फनी मीम्स T20 वर्ल्ड कप के बिग बॉस के सारे मीम्स इस वीडियो में देखने वाले मजा आएगी काफी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो गाइस तुम लोग ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ फटाफट फॉलो कर दो। चलो अभी देखते हैं मीम्स। विराट ऐसी एनर्जी थी भाई रोहित शर्मा की, भाई क्या मस्त मैच हुई भाई, मजा आ गई। अगर तुम लोग ने देखा नहीं ना भाई तो तुम लोग पागल हो गए भाई सच में। मैंने तो भाई पूरी मैच देखा, क्या मजा आई। तो पता है 2023 के फाइनल का वर्ल्ड कप का बदला ले लिया भाई, ने भाई रोहित शर्मा को सेम एनर्जी देखा मैंने सेम ऑस्ट्रेलिया के सामने। रूल नंबर वन, फर्स्ट नेवर टेक विराट विकेट इन फ्रंट ऑफ रोहित शर्मा। ओके ओके, मजा आया। नेक्स्ट देखते गाइस। मुझे तो पासवर्ड पता है इसका यार। ब्रो बिग बॉस पे फोन अलाउड है? क्या हो रहा है यार बिग बॉस में, भाई फोन चला रहे हैं लोग। आई थिंक मेरे को लग रहा है कुछ टास्क करेगा, वरना फोन तो अलाउड नहीं है भाई बिग बॉस में। बात तो सही है। उसमें क्या हो गया, मेरे को भी तो मालूम नहीं। मेरे को इसका पता है और मेरे को इसका मालूम है। इसमें प्राइवेसी पासवर्ड है भाई, ये अपने को अंदर से मिलेगा, फिर मैं कॉल करूंगा सबको। नेक्स्ट देखते गाइस। ओ माय गॉड, बाबा जी आपकी बेटी इतनी अमीर हो गई कि बिग बॉस के घर में आ गई, वो भी पहली कंटेस्टेंट हूँ मैं। ओ माय गॉड, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तुम लोग इसको सपोर्ट करते हैं और बिग बॉस चले गए देखो, और बोल रही इतनी अमीर हो गए भाई, पहले से अमीर थी। 50-50 का वड़ा पाव देके पब्लिक लोग को लूटती थी भाई, महीने का 2-2, 3-3 लाख तो ऐसी कमाते रहेंगे मेरे को लग रहा है शायद। One week later. Okay, तो गाइस काफी टाइम बाद बना रहा हूँ मैं वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत काम था और इंडिया के मैच भी थी और इंडिया जीत गई भाई। कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ इंडियन फैंस, मतलब क्रिकेट के फैंस। इंडिया की मैच थी इसलिए वीडियोस बना नहीं पाया, क्योंकि मैं मैच देख रहा था और चेयरअप कर रहा था इंडिया को। 7 दिन के बाद फिर से बना रहा हूँ वीडियो, मैं पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ आधा वीडियो, उसके बाद 7 दिन के बाद बैठा हूँ इधर पे और ये वीडियो बना रहा हूँ। और अपना ये भी चेंज हो गया है, अपने मैच दोनों है देखो, ये भी है और ये भी है। तो फर्स्ट मीम देखते गाइस। दिन का 40 कमा रही है ना, दिन का 40,000, 6 लाख का, दिन का 40,000। व्हाट ब्रो, हसदे चेहरियां दा मतलब ही नहीं हुंदा कि उन्हां नूं कोई तकलीफ नहीं हुंदी, ओहदा मतलब ही हुंदा कि इन्हां नूं तकलीफां नाल डील करना हुंदा। बिल्कुल सही भाई, मेरा महीने का 12,000 है और इसका दिन का 40,000। चलो कैलकुलेट करते गाइस कितना होएगा महीने का, इसका दिन का 40,000 गुनिया गुजराती में गुनिया बोलते गाइस, 30 days is equal to 12 लाख रुपया। शेट ब्रो, इसमें से माइनस करते हैं 6 लाख रुपया, क्योंकि सामान्य मन भी तो आएगा ना। बात तो सही है। 6 लाख रुपया ब्रो महीने का इसकी इनकम है क्या? ये देख 7 करोड़ कमा रहा है ये लोग महीने का 6 लाख रुपया। इधर आबे, इसे क्या कर रहे ये लोग भाई, महीने का 6 लाख रुपया कमा रहे भाई ये लोग, और तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं महीने का 12,000 कमा रहा हूँ भाई। और ये देखो, ये मेरा डॉग है, इसका नाम क्या रखे यार, चोमू, इसका नाम चोमू। अच्छा है क्या चोमू भाई? अभी बहुत अच्छा डॉग है मेरा, ये बस बोलता नहीं है सिर्फ सुनता है। ठीक है, तू मेरी हेल्प करेगा क्या दुकान खोलने में? मैं वड़ा पाव दूंगा और तू वड़ा बनाना तेल में डाल के, ठीक है? लो हाँ बोल दिया, चलो कल से दुकान खुल ली। गाइस तुम लोग आ जाओ ना मेरे एरिया पे, वड़ा पाव की दुकान खोल रहा हूँ मैं, दुकान का नाम रखूंगा मैं स्नूप डॉग। पैसा ही पैसा होगा। नेक्स्ट देखते गाइस। सेविंग से 10,000 की सेविंग था, उससे रेडी होता ठेला, ठेला लिया और उतर गए रोड पे। वो काफी इमोशनल। उसके बाद मम्मी जो सासू माँ है उन्होंने देख ऐसी स्टोरी बनाना अपने को, तो पहले अपन स्टोरी बनाएंगे, फिर उसके बाद ठेला खोलेंगे, देन उसके बाद हम बिग बॉस में जाएंगे, देन उसके बाद हम पैसे कमाएंगे, देन उसके बाद अपन मजे करेंगे क्या? ठीक है, मस्त प्लान है, बट तेरे को थोड़ा रोना पड़ेगा क्योंकि इसमें रोने के स्टाइल एक्टिंग विक्टिंग करना पड़ता है क्या?
ठीक है अपने आपको लाफा इफा मार देना, अपन वायरल हो जाएगा। क्या बोल रहा है? ये भगवान क्या जुलुम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता। गाइस मेरा पार्टनर, दिस इज माय पार्टनर, हम भी फिर महीने का 6 लाख कमाए गए, तो 3 लाख इसका 3 लाख मेरा, ये अपनी गर्लफ्रेंड में उड़ेगा और मैं नौड़ी गाजियाबाद। सो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ये भाई जैसे आया वैसे थैली काउंटर पर रखा, इस थैली के अंदर इतने सारे वड़ा पाव थे क्या ही बोलू। भाई बोल रहा था कि आपके स्टाफ को और आपके कस्टमर को सबको बांटो, और सिर्फ इतना सुनने के बाद थैली डायरेक्ट गायब। भाई को जब पूछा क्यों बना, तो भाई बोला कि बिग बॉस की जो वड़ा पाव गर्ल है वो मेरे लिए गुरु है, इसकी वजह से मुझे भाई पप्पी भी कर लिया। भाई इसकी गुरु कैसे आ रही, इसको वड़ा पाव ठेला खोलने है क्या? बात तो सही है। ये परमानेंट टैटू चाहिए वो भी हाथ पे। भाई की ये बात सुन के मैं भी थोड़ा शॉक हो गया कि वड़ा पाव गर्ल का टैटू बना रहा है। भाई को जब मैंने पूछा कि क्यों बना रहा, तो भाई ने मुझे बोला कि 6 महीने पहले मेरे पास जॉब नहीं था, मतलब मैं जॉबलेस था, पर इनके सारे सोशल मीडिया पे वीडियो देखे जो कि वड़ा पाव गर्ल के नाम से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी, उनका धंधा बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं वड़ा पाव का स्टॉल चालू करूं। इसलिए भाई वड़ा पाव गर्ल को अपना गुरु मानता है। भाई बोल रहा है कि बिग बॉस में वही जीत के आएगी, इसकी वजह से भाई ये टैटू बना रखा है। एंड फाइनली वड़ा पाव गर्ल का टैटू कंप्लीट हो चुका। तो ये भाई का टैटू कैसा लगा इस कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो शेयर करना। वड़ा पाव गर्ल को देख के मुझे भी टैटू बनाने का मन हो रहा है। क्या? अरे दूसरा उसका थोड़ी बनाऊंगा, पागल है मैं, वड़ा पाव की दुकान थोड़ी खोलूंगा। अरे मतलब खोलेगा हम वड़ा पाव की दुकान, लेकिन उसका नाम से थोड़ी खोले। बात तो सही है। उसकी कॉपी करना चाहता है क्या? मैं तो नहीं करना चाहता भाई, अपन अपना अलग करेगा, वड़ा पाव के साथ चटनी फ्री। मस्त प्लान है। आप जैसे लोग मेरे ऑफिस में आए ना, हाँ तो 2 किलोमीटर दूर रोक दिए जाएंगे। कोई बात नहीं सर, आप जैसे लोग मेरे घर पे आए ना, वो भी बाहर खड़े रहते। आपके घर पे आएगा कौन, ये बताइए पहले। कोई बात। सारी उम्र मैं झोंकर जब बड़े सो गाइस वीडियो खत्म करते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।